हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन मैं अभिषेक कुमार मैग्नेट ब्रेन अकेले एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक एनसीईआरटी सी और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी चाहे वो एन टी का एग्जाम हो या याड का एग्जाम्स हो क्लियर किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना हो किसी भी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे नहीं करनी है हंड्रेड फ्री एजुकेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ये जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं क्लास सिक्स स्टूडेंट्स ये एक सॉल्यूशन वीडियो है एम सीरीज़ के लिए जहाँ पर मैं चैप्टर नंबर फोर्टीन को कवर कर रहा हूँ और चैप्टर नंबर फोर्टीन है आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री तो किस प्रकार के सवाल आपको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में देखने को मिल सकते हैं सिक्स क्लास के लेवल पे अगर आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम्स में एमसीक्यू पैटर्न को फॉलो किया जाता है तो यहां पर वो सवालों को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं बीस क्वेश्चन के थ्रू तो ट्वेंटी क्वेश्चन रहेंगे इन ट्वेंटी क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा कि मैं को कवर करूं क्लियर तो आपको यहां पर कुछ दस से बारह वेराइटी देखने को डेफिनेटली मिल सकती हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में जो पहला एमसीक्यू है वो ये रहा आपके सामने नंबर ऑफ लाइंस विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट अगर किसी प्लेन के ऊपर मैं आपको एक पॉइंट दे दूं यहाँ पे किसी प्लेन के ऊपर अगर मैं आपको एक पॉइंट दे दूं और मैं आपसे कि इस पॉइंट से कितनी लाइंस निकल सकती हैं तो डेफिनेटली आपका जो जवाब होगा आप कहेंगे सर नंबर ऑफ लाइंस इस पॉइंट से पास होती हुई निकल सकते हैं तो देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच कैन पास थ्रू अ पॉइंट तो यहाँ पे द नंबर ऑफ लाइन्स विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट इज ऑप्शन ए दैट इज इंफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स क्लियर है तो यहां पे क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन ए आपके सामने क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर वन के बाद हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं तो यस हमारा ग्रीन टिक भी जो है इंफेनाइट पे ही आया मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ तो हाउ मेनी आर्क्स आर रिक्वायर्ड टू बी ड्रॉन टू कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 60 डिग्री अगर मुझे 60 डिग्री का कोई एंगल ड्रॉ करना है मान लीजिए मुझे इस पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो आप बताइए मुझे कितनी आर्क्स बनानी पड़ेंगी तो देखिए अगर आप कंपास पिक करते हैं और 60 डिग्री का एंगल बनाना है कंपास के थ्रू प्रोटेक्टर के थ्रू नहीं कंपास के थ्रू तो कंपास एक बेसिकली ऐसा टूल जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में अवेलेबल है जहां पे एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और दूसरे आर्म पे लगती है पेंसिल डन अगर मैं इस पॉइंट पे रख के पहला आर्क ड्रा करूं तो मुझे एक सेमी सर्कल यहां पे बनाना होता है बना दिया देन इसके बाद हम यहां पर इस पॉइंट पे रख के सेम रेडियस जो हमने इस आर्क को बनाने के लिए लिया था इस पॉइंट पे रख के जब हम पहला आर्क यहाँ ड्रॉ करते हैं तो ये जो है ये आपका 60 डिग्री का एंगल बनता है तो मैं ऐसा कहूंगा मैंने यहाँ पे दो आर्स का यूज़ किया पहला आर्क ये जिसने सेमी सर्कल बनाया दूसरा आर्क इस फिक्स पॉइंट पे रख के मैंने यहाँ आर्क ड्रॉ किया तो ये 60 डिग्री का एंगल बना मैं कहूंगा यहाँ पे दो आर्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको सिक्सटी डिग्री का एंगल बनाना है एक बहुत प्यारी वेराइटी ठीक है अगर आपने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को सॉल्व किया है तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू वैरायटी में देखने को मिल सकते हैं क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर टू के बाद मूव करिए क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ तो यहां बोर्ड कर लेते हैं क्लियर आंसर चेक कर लेते हैं तो ये आंसर बी आया है टू आर्स नीडेड है क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि विच ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेक ऑफ इक्वल लेंथ बट नॉट टू मेजर देम एंड डार्क एंड ड्रॉ आर्स एंड सर्कल्स ये कह रहा है कि आपके जोमेट्री बॉक्स में ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जिसको हम यूज करते हैं इक्वल लेंस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं ठीक है विथ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मार्क ऑफ इक्वल लेंस बट नॉट टू मेजर देम ठीक है उन लेंस को एक तो मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते दूसरा हम आर्ग्स ड्रॉ करने के लिए नहीं यूज कर सकते और ना ही सर्कल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं तो आप देखिए सेट स्क्वायर से सर्कल्स नहीं बन सकते आर्ग्स नहीं बन सकते बट इक्वल लेंथ भी नहीं ले सकते ठीक है डिवाइडर से अगर मैं देखूँ तो डिवाइडर से हम ना आर्ग्स बना सकते हैं ना सर्कल बना सकते हैं लेकिन विथ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मार्क ऑफ इक्वल लेंथ बट नॉट टू मेजर देम हम डिवाइडर से मेजर कर सकते हैं ये हमें सिखाया गया है ठीक है तो हम कहेंगे यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बात नहीं हो रही अगर मैं प्रोटेक्टर की बात करता हूँ या कंपास की बात करता हूँ तो कम्पासज यूज होते हैं आर को सर्कल बनाने के लिए इन्होंने बोला है बट नॉट टू मेजर ड्रॉ आर्क्स एंड सर्कल्स तो मैं कहूंगा यहाँ पे कंपास की भी बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ प्रोटेक्टर की प्रोटेक्टर से हम इक्वल लेंथ का मेजर कर सकते हैं तो इक्वल एंगल्स का मेजर कर सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर थ्री में हम प्रोटेक्टर आंसर दे सकते हैं क्या तो यस डी ऑप्शन ठीक है तो इक्वल अगर मुझे एंगल्स मार्क करने इक्वल लेंथ के अगर एंगल्स मार्क करने तो डेफिनेटली मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ अगेन यहाँ पे आर्क सर्कल और आ, मेजर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं बट नॉट टू मेजर देम उन इक्वल लेंस को मेजर नहीं करने के काम करते तो हम हाँ इक्वल एंगल्स मेजर कर सकते हैं यहाँ से ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थ्री में आंसर प्रोटेक्टर हो सकता है चलिए हाउ डू यू ड्रॉ अ नाइन्टी डिग्री का एंगल नाइन्टी डिग्री का एंगल आप कैसे बनाते हैं मान लीजिए आपको एक लाइन दी है और आपसे कहा यहाँ पे नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाइए तो नाइन्टी डिग्री का एंगल आप किसी भी पॉइंट पे बना सकते हैं तो मैं कहूंगा एक लाइन के ऊपर जब कोई पॉइंट अवेलेबल होता है तो उस पॉइंट से जब मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा तो 90 डिग्री का एंगल बन सकता है हाउ डू यू ड्रॉ 90 डिग्री का एंगल बाय ड्राॅइंग अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग ऑन इट यस बाय बायसेटिंग वन डिग्री एंगल अगर मैं वन डिग्री के एंगल को बायसेक्ट करूंगा तो मुझे सिक्सटी डिग्री मिलेगा नाइन्टी नहीं मिलेगा यहां पर बाय बायसेटिंग अ 60 डिग्री एंगल 30 डिग्री का एंगल मिलेगा 90 नहीं मिलेगा यहाँ पे बाय ड्रॉइंग द मल्टीपल्स ऑफ 45 डिग्री एंगल तो 45 डिग्री एंगल के मल्टीपल्स बना के हम 90 कर सकते हैं लेकिन सबसे आसान तरीका जो है वो है बाय ड्राॅइंग अ परपेंडिकुलर कोई भी लाइन के ऊपर अगर आपको पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर पेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे आपको नाइन्टी डिग्री का एंगल आसानी से मिल जाएगा ठीक है तो मैं कहूँगा ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्थ में मेरा जवाब होना चाहिए

ठीक है तो मैं यहां पे दो परपेंडिकुलर्स दोनों एंड पे ड्रा कर सकता हूं डन और अगर मुझे किसी स्क्वायर को ड्रा करना है तो देखिए एक साइड की जरूरत तो है तो यहां पे रख के मैं साइड मार्क कर दूंगा और यहां पे रख के मैं साइड मार्क कर दूंगा और इसको दोनों को जॉइन कर दूंगा तो एक प्रॉपर स्क्वायर मुझे बनता हुआ नजर आ जाएगा दैट मींस मिनिमम नंबर ऑफ टू परपेंडिकुलर्स तो ड्रा करने ही पड़ेंगे ठीक है स्क्वायर बनाने के लिए अगर सिर्फ साइड नोन हो तो मिनिमम दो परपेंडिकुलर्स की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर है बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो यस ठीक है तो मैंने आपको बकायदा यहाँ पे ड्राइंग भी बना के दिखाई अगर आप इमेजिन करें कि आपको कोई स्क्वायर का साइड दिया है तो आप पॉइंट ए मार्क कर देंगे आप पॉइंट बी मार्क कर देंगे ठीक है फिर आप ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फिर आप बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसी तरीके से ठीक है तो देखिए आपने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए क्योंकि स्क्वायर में इंटीरियर में 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं फोर एंगल्स 90 डिग्री अब अगर जो ए बी का मेजरमेंट है मैं ए पे रख के अगर ऊपर एक पॉइंट मार्क करूं और बी पे रख के अगर ऊपर एक पॉइंट मार्क करूं तो डेफिनेटली इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद मेरे पास स्क्वायर बनता हुआ नजर आ जाएगा इक्वल साइड्स का तो मिनिमम मैंने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर इसलिए टू है देन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ क्वेश्चन नंबर 6th आपको कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर एक सर्कल है जिसका डायमीटर 22 सेंटीमीटर है डायमीटर का मतलब इस सर्कल में एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर से पास होके निकले तो देखिएगा मैं कहूंगा अगर मेरे सर्कल का डायमीटर 22 सेंटीमीटर है तो इसका जो रेडियस होगा द रेडियस ऑफ सर्कल इज यहां पे हम कहेंगे जो सर्कल का रेडियस होगा वो डायामीटर का हाफ होगा क्लियर है तो यहाँ पर 22 का अगर मैं हाफ करूंगा तो मेरा आंसर आएगा बी ऑप्शन क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर है बी आंसर चेक कर लेते हैं चलिए देखिएगा एक काम करते हैं पहले बोर्ड क्लियर कर लेते हैं यस yes, यहां पर हम आ जाते हैं तो आंसर हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर Six में द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इलेवन सेंटीमीटर बी ऑप्शन डन क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में अगर मैं बात करूं तो हाउ मेनी आर्क्स आर टू बी ड्रॉन टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अगर मुझे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है देखिएगा अगर मुझे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो आप बताइए कि इन दोनों एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट है ठीक है किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो कितने आर्क्स बनेंगे तो यहां पे आप देखेंगे ये पहला आर्क बनेगा सेमी सर्कल फिर सेम रेडियस कंपास का यूज कर रहे हैं हम इस पॉइंट पर के हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया इस पॉइंट पे रख के वही सेम सर्कल से अगर मैं इधर ड्रॉ करता हूं तो ये सिक्सटी डिग्री इस पॉइंट पे रख के अगर इधर ड्रॉ करता हूं तो ये वन ट्वेंटी डिग्री और सिक्सटी और वन ट्वेंटी को बाइसेक्ट करने के लिए अगर दो आर्क का यूज करता हूं तो ये आपका नाइनटी डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है क्लियर तो आपने कितनी आर्क्स बनाई वन टू थ्री फोर फाइव तो मैं कहूंगा यहां पे आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का सी ऑप्शन तो यहां पर फाइव आंसर होना चाहिए क्लियर कर लेते हैं देखते हैं तो यस क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का आंसर है फाइव मूव करिए क्वेश्चन नंबर एट्थ की तरफ तो क्वेश्चन नंबर एट्थ कह रहा है अ डैश इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व all of whose points are all of whose points are at the same distance from a fixed point agar koi point fix kar dun to jitne baki ke point hai wo sab ek fixed duri par hai ऐसा सिर्फ circle में हमने statement पढ़ा है कि circle एक ऐसा figure है जहां पे points इस सर्कम के ऊपर अगर हम ले लें ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट इन सब पॉइंट्स की जो दूरी है वो इस फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा सिमिलर रहती है जिसको हम रेडियस के नाम से जानते हैं तो मैं कहूँगा सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व ऑल ऑफ पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टोटल आठ क्वेश्चन हमारे यहाँ हो गए हैं एट्थ क्वेश्चन के ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर है चेक कर लेते हैं तो यस। क्वेश्चन नंबर एट्थ में ग्रीन टिक भी डी ऑप्शन पे आया तो आप देखिए कि हम यहाँ पर कितने आसान क्वेश्चंस जो कि बन सकते हैं उनको कवर अप कर रहे हैं और यही क्वेश्चंस आपके स्कूल टेस्ट स्कूल एग्जाम में आते हैं तो क्लास सिक्स स्टूडेंट्स आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक लाइक like से थ्रू ये चीज़ जो बताइए तो आपके लाइक्स ये चीज बताते हैं कि डेफिनेटली आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं क्वेश्चन नंबर एट मैंने आपको समझाया प्रॉपर तरीके से यहां पे MCQs में भी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर एक छोटी छोटी बात को समझा के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ये चीज बताई जा रही है डन क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पे आ जाते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ कह रहा है अ लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन एक ऐसा लाइन सेगमेंट जब बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स होते हैं मिनिमम तीन लाइन सेगमेंट्स लगते हैं एक पॉलीगन बनाने के लिए और फिर उसके बाद आप बढ़ते जाएंगे तो पॉलीगंस के नाम आपने पढ़े हैं डन तो यहाँ पर ये आपसे कह रहा है कि मान लीजिए ये आपने कॉर्डिलेटरल बनाया ये आपने पेंटागन बनाया तो ये कह रहा है द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन इज़ कॉल्ड ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं, इनको आप क्या कहते हैं इस पॉलीगन के अंदर तो इस लाइन सेगमेंट को मैं कहता हूं साइड मैं कहूंगा इस फिगर की ये साइड्स हैं। ठीक है जिन लाइन ने यहां पे सिंपल क्लोज कर्व बनाया जो क्लोज कर्व बनाया जो पॉलीगन बना है तो पॉली का मतलब है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जब आपस में मिलती हैं तो इस फिगर के अंदर ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं ये साइड कहलाती हैं मैं कहूंगा यहां पे बी ऑप्शन पे मुझे टिक करना चाहिए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में मैं कहूंगा साइड कहते हैं तो यहां पर आंसर है हमारा बी ऑप्शन तो ये स्क्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे हमें दिख रहा है चलिए मूव करिए क्वेश्चन नंबर टेंथ की तरफ तो क्वेश्चन नंबर टेंथ ये रहा हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू वन गिवन पॉइंट अगर कोई एक पॉइंट मैं आपको दे दूं तो आप यहां से कितने सर्कल्स बना सकते हैं तो हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू वन गिवन पॉइंट थ्रू वन गिवन पॉइंट तो यहां से ये भी सर्कल पास होगा यहां से ये भी सर्कल पास होगा यहां से ये भी सर्कल पास होगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बन सकते हैं एक पॉइंट के थ्रू ठीक है तो यहां पे इन्फेनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स अब देखो डिपेंड करता है आप पॉइंट कहां ले रहे हो आप पॉइंट के ऊपर सर्कल की बात कर रहे हो या पॉइंट को आप प्लेन के ऊपर सेंटर मान के चल रहे हो तो फिर कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं अगर रेडियस बढ़ाता जाऊंगा तो सर्कल्स बहुत सारे बनते जाएंगे तो मैं कहूंगा इन्फेनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ हो सकते हैं यहां पर क्लियर है आपका क्वेश्चन नंबर टेंथ का जो आंसर है वो टेन है

यहाँ पे इन्फेनाइट मेरा जवाब होना चाहिए सेम क्वेश्चन देखिए शब्दों को घुमा दिया अगर क्वेश्चन नंबर टेंथ देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर टेंथ में हाउ मेनी सर्कल्स कैन ड्रॉन थ्रू अ वन गिवन पॉइंट ठीक है और सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ठीक है सेम क्वेश्चन है इन्फेनाइट आपका जवाब है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ की तरफ चलते हैं विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ड्रॉ द आर्क्स एंड सर्कल्स बनाने के लिए और सर्कल्स बनाने के लिए हम जोमेट्री बॉक्स में कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं तो सबसे इजी क्वेश्चन हम यूज करते हैं यहाँ पे कंपास का ए ऑप्शन तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ का आंसर है ए ठीक है हम कंपास का यूज करते हैं क्योंकि प्रोटेक्टर से तो हम एंगल मेजरमेंट्स बनाते हैं स्केल से हम स्ट्रेट लाइन्स बनाते हैं सेट स्क्वायर से हम यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स को सेट कर सकते हैं पैरल एंगल्स बना सकते हैं ये सेट स्क्वायर्स आप हायर क्लासेस में यूज़ करते हैं क्लियर तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में आंसर जो है वो कम्पास होगा तो यहाँ पे अगेन मैं कहूंगा ए ऑप्शन यस मूव करिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ छोटी वीडियो है पूरा लास्ट तक वॉच करिए मुश्किल से बीस मिनट पच्चीस मिनट की वीडियो होगी ठीक है तो मैं कहूंगा ट्वेंटी मिनट्स की वीडियो है पूरा लास्ट तक वॉच करना चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन कह रहा है नेम द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है सेमी सर्कुलर डिवाइस ग्रेजुएटेड इन इंटू वन एटी डिग्री पार्ट तो भैया यहां पे देखते ही समझ आ रहा है कि ये बात कर रहे हैं प्रोटेक्टर की जहां पे स्केल जो है वो उसके सर्कम्फ्रेंस पे होता है सेमी सर्कुलर वर्ड सेमी सर्कुलर से समझ आ जाता है कि यहां पे बात प्रोटेक्टर की हो रही है ठीक है तो यहां पे क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर है डी ऑप्शन क्लियर

इसका सबसे पहले पूरी लाइन का एक परपेंडिकुलर बायसेक्टर बनाएंगे तो आप एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ करेंगे तो आप कहेंगे इस लाइन को आपने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं यह है पॉइंट ओ ठीक है लेकिन हमें फोर इक्वल पार्ट्स करने तो अब मैं ए को जब परपेंडिकुलर बायसेक्टर बनाऊंगा तो मैं कहूंगा यह पॉइंट है आपका एम तो एम इज इक्वल्स टू ओ क्लियर मैं कहूँगा ए एम इज इक्वल्स टू एम ओ ऐसे ही हम यहाँ पर ओ पॉइंट से बी पॉइंट को अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं ठीक है थीके? तो देखिएगा इसको तो ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां यहाँ पे बनाया ठीक है और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ये एम एन है तो देखिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए एम इज इक्वल टू एम ओ इज इक्वल टू ओ एन इज इक्वल टू एन बी इससे क्या समझ आया कि मैंने चार टुकड़े कर दिए एक गिवन लाइन के कितने पर पेंडिकुलर बायसेक्टर बनाए तो मैंने बनाए हैं एक दो तीन टोटल थ्री तो इस आंसर को मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर जो है वो थ्री पर पेंडिकुलर बायसेक्टर्स आएगा हाउ मेनी पर पेंडिकुलर बायसेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन फोर पार्ट्स मैं कहूंगा मिनिमम मिनिमम क्या बनते ही थ्री हैं मैक्सिमम थ्री नहीं बनेंगे ठीक है मिनिमम मैक्सिमम नहीं है वर्ड थ्री है बस तो यहाँ पे तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनेंगे क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन को करते हैं क्लियर मूव करते हैं इसके आंसर की तरफ तो यस क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर सी आया क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखिए इनटू वॉट टाइप ऑफ पार्ट इज अ फिगर डिवाइडेड बाय बाइसेक्टिंग इट कोई भी फिगर है मैं बोलता हूं अगर आपके पास एंगल है ठीक है तो यहाँ पे हमने सीखा है कि बाइसेक्टर का मतलब क्या है बायसेकटर का मतलब है कि मैं इस चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है तो इनटू व्हाट टाइप ऑफ पार्ट्स इज अ फिगर डिवाइडेड बाय बायसेंग इट मैं कहूंगा इक्वल पार्ट्स टू इक्वल पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं जब भी किसी चीज को बाइसेकट करते हैं बाइसेकट का मतलब ही है टू इक्वल पार्ट्स इक्वल पार्ट्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का आंसर है बी ऑप्शन देखिएगा तो यस हमारा ग्रीन टिक भी बी ऑप्शन पे ही हमें दिख रहा है मूव करिए क्वेश्चन नंबर नेम इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ पेयर ऑफ पॉइंटर्स तो आप जब ज्योमेट्री बॉक्स ओपन करते हैं तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको दिखता है जिसमें दो फिक्स्ड पॉइंट हैं पॉइंटर्स हैं पिन है तो आपको ऐसा ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है डिवाइडर कंपास में सिर्फ एक पॉइंट फिक्स दिखता है आपको लेकिन डिवाइडर में दो पॉइंट्स फिक्स मिलते हैं तो मैं कहूंगा मेरा आंसर इस केस में है बी ऑप्शन क्लियर है तो यहां पे हमारा आंसर है बी ऑप्शन तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का आंसर है बी डिवाइडर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दो पॉइंट्स फिक्स रहते हैं दो पॉइंटर्स दिखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखिए हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स अगर आपको एक प्लेन के ऊपर मैं दो पॉइंट्स दे दूं, तो यहां से कितने सर्कल्स आप बना सकते हैं अगेन मैं कहूंगा कि यहां से एक सर्कल तो ये बना दो अगर इसको डायमीटर मान लेते हो ठीक है और अगर आप इन दो पॉइंट्स को कॉर्ड मानते हो तो ऐसे बना दो ऐसे बना दो तो ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं तो मैं कहूंगा इन्फेनाइट डी ऑप्शन होना चाहिए हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू टू गिव पॉइंट्स तो कॉर्ड देख लीजिए डायमीटर देख लीजिए यहाँ पे मैं कहूंगा आप जितना सर्कल को ऊपर लेते जाओ नीचे लेते जाओ वो कॉर्ड्स का रूप लेती जाएगी तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि यहाँ पे हम इन्फिनट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का आंसर है डी ऑप्शन यस क्वेश्चन नंबर एटीनथ अ फ्यू लाइन्स इन अ प्लेन हैव अ पॉइंट इन कॉमन कुछ लाइन्स हैं प्लेन के ऊपर जिनमें कुछ पॉइंट्स कॉमन है ठीक है मैं कह रहा हूं यहां से ऐसा यहां से ऐसा तो एक पॉइंट ऐसा है कि कुछ लाइन्स के लिए वो कॉमन पॉइंट है तो अ फ्यू लाइन्स इन अ प्लेन है पॉइंट इन कॉमन वट टाइप ऑफ लाइन्स कैन बी कैन दे मे बी तो मैं कहूंगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं वर्ड ए इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या पैलर लाइंस हो सकती हैं तो नहीं पैलर लाइंस में कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा कभी भी पैलर लाइंस मतलब जिनमें एक कॉमन डिस्टेंस है कॉमन पॉइंट कुछ नहीं है कंगूरेंट लाइंस का मतलब दो इक्वल लाइंस एकदम कंगूरेंट हो सकती हैं तो यस अगर ये लाइन में इस लाइन के इक्वल बोल दूं तो कंगूरेंट हो सकती हैं यस कॉमन पॉइंट दो कंगूरेंट लाइंस में हो सकता है सी ऑप्शन इधर ए और सी या तो ए या तो सी तो यस मैं बोलूंगा यहां पर अगर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए अब एक डिफरेंट वैरायटी आपको दिख रही है आंसर ए भी दिख रहा है सी भी दिख रहा है और एक आंसर डी दिख रहा है ईधर ए और सी तो मैं कहूंगा यस ईधर ए और सी इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप दोनों को अलग अलग जवाब दो तो कंग्रेंट भी हो सकता है इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है तो मैं कहूंगा डी ऑप्शन पे मैं टिक करके आऊंगा या तो सी या तो ए डन तो यहां पे क्वेश्चन नंबर एटीन का आंसर है डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो यस देखिए ग्रीन टिक भी डी पे ही आया मूव करिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे इफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज सेवन सेंटीमीटर कोई सर्कल है इसका जो रेडियस है वो सेवन सेंटीमीटर है तो आप बताइए इस सर्कल का डाया क्या होगा तो इस सर्कल का डाया जो होगा वो होगा रेडियस का टू टाइम्स तो फोर्टीन मैं कहूंगा बी ऑप्शन फोर्टीन सेंटीमीटर था आसान क्वेश्चन फार्मूला नोन होना चाहिए वर्ड डायमीटर और रेडियस का मतलब पता होना चाहिए तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन जो कि लास्ट सेकेंड क्वेश्चन था ये हमने कर लिया है सॉल्व मूव करिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे जो कि एकदम लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का भी आंसर देखिए फोर्टी ही आया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए इफ़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वेंटी सेंटीमीटर अगर कोई सर्कल है इसका डायमीटर अगर बीस सेंटीमीटर का है तो आप बताइए इसका रेडियस क्या होगा तो इस केस में कहूंगा डायमीटर को डिवाइड बाई टू कर दो ट्वेंटी को टू से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आएगा टेन सेंटीमीटर तो लास्ट क्वेश्चन भी कुछ सिमिलर वेराइटी थी ठीक तो है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर है ए क्लियर आंसर चेक कर ले तो फाइनली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर ए ही आया इस प्रकार से आपने यहां पर चैप्टर नंबर फोर्टीन जो कि चैप्टर था आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आपकी एनसीआरटी बुक में उसको भी कर लिया खत्म तो एमसीक्यूज में आप चैप्टर नंबर फोर्टीन तक चीज़ों को कर चुके हैं ख़त्म अगर आप चाहते हैं कि सारे एम सी क्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँ सैम्पल पेपर्स मेरे जो नोट्स हैं जो मैंने थ्योरी में पढ़ाए हैं इन सब की हार्ड कॉपी ई बुक आपको अवेलेबल हो जाए तो नीचे आप जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है क्लिक करिए फॉर्म फिलअप करिए मैगनमेंट्स की टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको ये सब हार्ड कॉपी और ई e बुक्स प्रोवाइड कर देंगे तो इतना आसान है घर बैठ के तैयारी करना हंड्रेड परसेंट फ्री एजुकेशन के साथ और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक इंस्टा और टेलीग्राम के थ्रू अगर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो लाइक like, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए क्योंकि टीचर का क्या मोटिवेशन ही यहीं से आता है तो बस इतना छोटा सा काम आपको करना है और यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जू करने हैं सो so दैट आपके और हमारे बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है वो ना दिखे चलिए तो मिलते हैं हम किसी और नई सीरीज में नए चैप्टर्स में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बाय एंड टेक केयर